5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और भुखमरी साथ साथ नहीं चल सकते, इसलिए हम एक ऐसे राष्ट्रीय पोषाहार मिशन शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और किशोरियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, जो धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाएं गरीबों के लिए सामूहिक भोजन का कार्यक्रम चलाती हैं, उन्हें यदि वे चाहें तो सरकार सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध कराएगी। भारत में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, गरीबों के लिए सस्ते मकानों की काफ़ी कमी है। सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। इसका क्रियान्वयन हुडको करेगा। वह इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराएगा। हमारी सेना के 3,00,000 जवानों के परिवारों को आवास की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। आवास निर्माण की आज की वर्तमान गति से इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 30 वर्ष लगेंगे। हमने फैसला किया है कि इन 3,00,000 मकानों का निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। पिछले वर्ष मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संशोधन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख किया था। प्रायः सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस योजना के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस पूरी योजना में कुल 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सन 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 से ज़्यादा आबादी वाले सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 55,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वतंत्र भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस पर काम को और तेज किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन दो प्रमुख सड़क योजनाओं से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हमारा लक्ष्य है दूरी को दूर करना, इसलिए हम भारत के सभी गांवों को सिर्फ सड़कों से ही नहीं बल्कि दूर संचार तथा इंटरनेट के माध्यम से भी जोड़ना चाहते हैं। इस दिशा में पिछले 2 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस काम को हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। प्रकृति ने मनुष्य को अनेक अनुपम उपहार दिए हैं। इन्हीं उपहारों में से एक उपहार है नेत्र। प्रकृति के सौंदर्य को निहारने और उसकी सुंदर छटा को अपने में समेटने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। विश्व के रचयिता ने जब अपनी सबसे प्रिय कृति मानव शरीर की रचना की तो उसने सबसे पहले उसे आँखें प्रदान की ताकि वह इस संसार की हर वस्तु को देखकर उसका आनंद ले सके। हमारे भारतीय साहित्य में भी आँखों का वर्णन हर कवि, साहित्यकार और लेखक ने किया है। उनके नस सिख वर्णन में आँखें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं।
उनके अनुसार नारी सुंदरता में आँखों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नेत्रों को शरीर की सबसे अनमोल अंग माना गया है। नेत्रहीन व्यक्ति को जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी कल्पना करना भी कठिन है। उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है, क्योंकि वे ईश्वर प्रदत्त सुंदर संसार को देख ही नहीं पाते, ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। इसलिए वे अपने जीवन को व्यर्थ भार मानकर मायूसी में जीते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, उनके जीवन की सूखी बगिया को हरा भरा बना सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने नेत्रों का दान करना होगा, क्योंकि अपनी आँखों से दूसरों को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए नेत्रदान ही एकमात्र सेव्य है, जिसके माध्यम से आपकी आँखें पाने वाला एक नेत्रहीन अपना जीवन बदल सकता है, अपनी अंधेरी दुनिया को जगमगा सकता है। हाँ, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं का होना परम आवश्यक है। आज हर क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ मनुष्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति की है, और दिन प्रतिदिन चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। आज चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। आज मनुष्य ने ऐसी कई लाइलाज बीमारियों का इलाज खोज निकाला है, जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। शल्य चिकित्सा द्वारा अनेक विकृत व रोगग्रस्त रोगों को ठीक किया जा रहा है। अधिकांश बीमारियों का कारण गरीबी है। केवल आर्थिक विकास से ही एक ऐसे सामाजिक प्रशासन का जन्म हो सकता है, जो रोगों पर विजय पाने के लिए विज्ञान को उपयोग करने में सक्षम हो। बहुत सी बीमारियां माताओं के लिए पौष्टिक आहार के अभाव के कारण पैदा होती हैं। भारत में भोजन की समस्या केवल यह नहीं है कि हम अधिक अन्न पैदा करें, बल्कि यह भी है कि हम पौष्टिक अन्न पैदा करें। हमारी सरकार ज़रूरतमंद लोगों और विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए रोगों से रक्षा करने वाले खाद्य उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों को सबसे अधिक महत्व देती है। आज जो लोग विकास संबंधी नियोजन में लगे हुए हैं, वे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मदों पर धन लगाना नहीं भूल सकते, क्योंकि इससे ये दोनों ही बातें होती हैं। प्रथम, खुशहाली, जो कि सारे विकास का अंतिम लक्ष्य है, और दूसरे, इससे अधिक बल और कुशलता प्राप्त होती है, जो कि सबके लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से मानवीय साधनों के अनिवार्य गुण हैं। दूसरों पर अधिक निर्भरता और अल्प आयु, ये दोनों ही चीज़ें आर्थिक प्रगति के दुश्मन हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक पीढ़ी के जीवन काल में ही एशिया के कुछ देशों में उनकी कम से कम 32% कुल उत्पादन क्षमता जनता की अल्प आयु में मृत्यु के कारण नष्ट हो जाती हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा, मनचाहा रोजगार हर बच्चे का अधिकार है, किंतु धूप और हवा, पानी और खाने में से उसका कितना हिस्सा है या उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति के कारण सीमित हो जाता है। हम यह समझते हैं कि इस अन्याय को समाप्त करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है।